राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान हंगामा देखने को मिला। स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं देने पर यह हंगामा हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने स्थगन प्रस्ताव लगाया था, जिस पर सीपी जोशी ने बोलने की अनुमति नहीं दी। वासुदेव देवनानी और विधानसभा अध्यक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। स्पीकर जोशी ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि बाहर निकालने के लिए प्रस्ताव रखा जाए। साथ ही सीपी जोशी ने कहा, विपक्ष पूरा निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीकर जोशी ने सदन में प्रस्ताव रखा। वासुदेव देवनानी को एक दिन के लिए सदन से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा गया। माफी मांगने के बाद ही सदन में आने की अनुमति देने की बात कही। मैं सोचता हूँ इस घटना के लिए आप उनको दिन भर निकालने का जो प्रस्ताव ला रहे हैं, मैं सोचता हूँ ऐसा इतना बड़ा एकदम कोई वातावरण नहीं हो गया। अगर आप वातावरण को मैं बैठा भी नहीं हूँ, आप खड़ा डिक्टेट करना चाहते हैं। आई विल नॉट बी डिक्टेटेड, डू व्हाट यू लाइक, आई विल नेम यू, प्लीज गो आउटसाइड दी चेंबर, बाहर जाइए, बाहर जाइए। मैं प्रस्ताव रखिए सदन से बाहर निकालने का, मंत्री जी प्रस्ताव रखिए, दो दिन की कार्यवाही के लिए बाहर निकाले। आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। प्रस्ताव रखिए यहाँ पर, प्रस्ताव रखिए यहाँ पर, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखिए यहाँ पर, माननीय जी प्रस्ताव रखिए यहाँ पर, I will not tolerate it. Do whatever you like, I will not tolerate it. प्रस्ताव रखिए माननीय मंत्री जी। You cannot dictate me. आप सब बाहर निकले, कोई तकलीफ नहीं है। Nobody can dictate me. इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, जिस प्रकार से हंगामा देखने को मिला है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए आशीष, काफी हंगामेदार आज शून्यकाल की कार्यवाही रही। शून्यकाल में शुरुआत में जैसे ही प्रश्नकाल हुआ और उसके बाद स्थगन जो प्रस्ताव प्राप्त हुए उनमें से एक स्थगन प्रस्ताव पर वासुदेव देवनानी है बीजेपी के विधायक, पूर्व मंत्री, वो भी बोलना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने उनको अनुमति नहीं दी और वो जब बार बार उसके लिए बोलने लगे खड़े होकर, तो स्पीकर सीपी जोशी के और उनके बीच काफी तीखी बहस हुई और इस पर सीपी जोशी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि जब आसन पैरों पर है तो बार बार एक सदस्य बोल रहा है, तो उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री है शांति धारीवाल उनको ये कहा कि एक प्रस्ताव किया जाए जिसमें सदस्य को बाहर निकालने का प्रस्ताव किया जाए। और इसी हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा तो पूरा प्रतिपक्ष सदन से बाहर चला जाएगा, ये ठीक नहीं है। जब कोई सदस्य इस तरह से कोई बोलना चाह रहा है और स्पीकर अनुमति नहीं देता है जी। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित भी किया गया, जिसके बाद तुरंत बाद प्रतिपक्ष के तमाम विधायक हैं वो सदन से बाहर चले गए और जी। अब विधानसभा में बजट पर बहस शुरू हो गई है, लेकिन प्रतिपक्ष के तमाम विधायक हैं उन्होंने बहिर्गमन सदन से कर दिया, क्योंकि प्रस्ताव पारित किया गया वासुदेव देवनानी को एक दिन के लिए सदन से बाहर निकालने का और काफी बहस, तीखी बहस स्पीकर और वासुदेव देवनानी के बीच हुई और इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने काफी नाराजगी जताई और उसके बाद ही प्रस्ताव पारित किया गया जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने बताया कि हंगामे के बाद बीजेपी के विधायकों ने बायकॉट कर दिया है, सदन से बाहर विपक्ष के विधायक निकल गए।